रहा हूं वो इस बात को स्पष्ट बताता है कि आने वाले समय में आपने कमल ही कमल खिलाना है और उसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, यह कमल का खिलना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक अकेला नहीं है, कमल का खिलना कर्नाटक की धरती के लिए और कर्नाटक के विकास के लिए एकमात्र रास्ता है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए जब मैं बात करता हूं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं आपसे मैं निवेदन करता हूं कि ये जो आने वाला चुनाव है ये चुनाव अकेला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कर्नाटक की जनता के भविष्य का चुनाव है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी ने आम आदमी को मजबूती प्रदान की है, गांव में गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 80 करोड़ की जनता को मोदी जी ने खिलाया है, वही कर्नाटक की 4 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न मिल रहा है ताकि कोई भूखा न रहे। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मैं बात करूं तो किसानों को हर चौथे महीने 2,000 रुपए मिल रहा है और सारे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को मिल रहा है और कर्नाटक में 57 लाख किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की, तो प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय बनाए, टॉयलेट्स बनाए, आज 12 करोड़ बहनों को जो बाहर जाया करती थी उनके लिए इज्जत घर बना करके दिया 12 करोड़ बहनों को, और उसमें से 27 लाख बहनें कर्नाटक की हैं जिनको ये लाभ मिला। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी भाई सबको जोड़ने का काम और ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, आप बताओ कर्नाटक में हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बड़े बड़े 4 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, रेलवे बन रही है कि नहीं बन रही है, आप बताइए इंटरनेट गांव गांव पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आप बताइए 11 एयरपोर्ट कर्नाटक में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 70 साल में 74 एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाए और 9 साल में मोदी जी ने 74 एयरपोर्ट बना करके दिए, ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, कांग्रेस पार्टी का मतलब है, कांग्रेस पार्टी का मतलब है कमीशन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, पहले इंदिरा जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल, परिवार ही परिवार, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, 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 डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। इसलिए मित्रों जब हम रोड शो निकालते हैं तो वो जनसभा बन जाती है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। जो काम मोदी जी ने किया उसको धरती पर उतारने का काम हमारे वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा जी ने उसको किया और उसको आगे बढ़ाने का काम Yeah!
आगे बढ़ाने का काम बोमई साहब ने किया है। मैं यहां आपको ये बोलना चाहता हूं, मित्रों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बताइए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको मैं कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन बताता हूं, मेंटली बैंक करप्ट, छुट्टी इधर है नहीं कुछ। आप बताइए, अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ, कहाँ कहाँ हुआ? नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, तीनों जगह बीजेपी एनडीए की सरकार बन गई। त्रिपुरा में बन गई, नागालैंड में बन गई एनडीए की सरकार, और मेघालय में भी एनडीए की सरकार बन गई। और कांग्रेस को क्या मिला? त्रिपुरा में 3 सीट, मेघालय में 5 सीट और नागालैंड में 0। छुट्टी हो गई, छुट्टी। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं? भारत में नहीं बोलते, इंग्लैंड जाते, इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाके क्या बोलते हैं? भारत के प्रजातंत्र को खतरा है। बताओ, प्रजातंत्र को खतरा है क्या? खतरा है क्या प्रजातंत्र को? खतरा है क्या? चुनाव ना जीतो तो प्रजातंत्र को खतरा, चुनाव हार जाओ तो ईवीएम। ये क्या तरीका है? और जानते हो क्या कहा उन्होंने? भारत के संप्रभुता को, भारत के सॉवरेंटी को इंग्लैंड की भूमि पर चैलेंज किया, इंग्लैंड की सरजमी पर भारत के खिलाफ बोला। क्या बोला? कि भारत में प्रजातंत्र नहीं रह गया है और अमेरिका और यूरोप के लोग कुछ सोचो, यानी अमेरिका को उकसाने का काम राहुल गांधी ने किया। बताओ, ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? ऐसे लोगों को जवाब देना है कि नहीं देना है? और इनको जवाब देने का एक ही तरीका है कि कर्नाटक में इनको छुट्टी कर दो, घर बैठा दो और भारतीय जनता पार्टी को आगे। देखो ये कितने हताश हो गए, क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और यहाँ जनता बोल रही है, मोदी आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा, आपका कमल। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? देखो दिमाग कहाँ चला गया है। आप मोदी को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? आप मोदी जी को प्यार करते हैं कि नहीं करते? मैं सुनना चाहता हूँ। और जानते हो कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? मोदी मर जा, मोदी मर जा। और आप कह रहे हैं मोदी मत जा, मोदी मत जा, मोदी मत जा। मित्रों, हमको समझना होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो दुनिया की शख्सियत बन गए हैं, देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आप बताओ, कर्नाटक आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर वन पर, इनोवेशन में कर्नाटक नंबर वन। जाने दो भाई, जाने दो, रास्ता दो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, यानी विदेश से अगर कुछ पैसा आ रहा है और निवेश आ रहा है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में आ रहा है, ये यहां के नेतृत्व को बताता है। आप देखिए, इनोवेशन में नंबर वन पर, स्टार्टअप में नंबर वन पर, हर दृष्टि से नंबर वन पर कर्नाटक। इसको नंबर वन पर रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं कि नहीं करने हैं? अगर करने हैं तो कर्नाटक में कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है।
मित्रों, आपने मेरी बात शांति से सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, फिर आऊंगा तिरुपुर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।